कोतवाली थाना क्षेत्र के महारानी रोड पर व्यापारियों को धारदार हथियार दिखाकर डराने धमकाने वाले चारों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और व्यापारियों में गुंडे का भय खत्म करने के लिए गुंडा जुलूस भी निकाला। इंदौर के महारानी रोड स्थित पवन स्पीकर किंग पैलेस की दुकान पर धारदार हथियार दिखाकर डराया धमकाया और मारपीट की गई थी। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। व्यापारी द्वारा बदमाशों के खिलाफ थाने में जाकर मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित कर फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम राजेंद्र उर्फ गुड्डू, अजय कटारे, सुनील व राजेश हैं। वहीं उनके एक अन्य साथी की पुलिस तलाश कर रही है। पकड़ाए गए चारों ही बदमाशों का पुलिस ने घटना स्थल पर ले जाकर गुंडा जुलूस भी निकाला। ये कल की बात है, एक सुनील चौक से है, ये भी डीजे वगैरह की दुकान है इसकी, और दूसरे भी जो दुकानदार हैं वो भी डीजे वगैरह बेचते हैं और इसकी छोटी दुकान है, तो अक्सर उनसे सामान माल वगैरह ले लेता है, कभी पैसे कम दिए, कभी आधी अधूरी दिए, दबाव बना के उनसे माल मंगवाना चाहता है। और इसके अलावा इसके भी ग्राहक, चूँकि वो बड़ी दुकान है, वहाँ चले जाते हैं। तो इस पर रोष में आके सुनील चौकसे ने अपने साथियों के साथ कल दो दुकानदारों को जाके धमकियाँ दी, यहाँ तक कि चाकू निकाल के दिखा के धमकी दी। और इसमें मेन जो है सुनील चौकसे है, इसके पूर्व में दो अपराध पंजीबद्ध हैं और व्यापारियों की रिपोर्ट पे इन पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं और तलाश की जा रही है। और आज जो है नरेंद्र, रौनक, अजय और राजेंद्र, नरेंद्र, रौनक और राजेंद्र, अजय, ये चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सर इसमें कौन फरार है? इसमें सुनील चौकसे अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।